हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको हाफ स्ट्रेट कॉलर कुर्ती की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड में रखना होगा। ये डबल फोल्ड है हमारा। अब इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को 4 फोल्ड में रखने के बाद इसका जो क्लोज वाला साइड है, यहाँ से हम कुर्ती की फुल लेंथ लेंगे। कुर्ती की जो फुल लेंथ है वो 33 है हमारी, तो इसमें हम 2 इंच ऐड करके 35 लेंगे। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग लेना। ये टोटल लेंथ हमारे फैब्रिक के बराबर ही आ रही है। शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो उसका हाफ 7 इंच लेंगे हम यहाँ से। आप अपने शोल्डर का हाफ लेना। यहाँ से आर्म होल लेंगे हम, ये हमें 6 इंच का लेना है। ये सभी साइज में 6 इंच का ही होगा। और यहाँ से चेस्ट की विड्थ लेंगे हम। चेस्ट हमारी 30 इंच है, तो उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच लेंगे। 30 का 4th पार्ट होता है 7.5 इंच, इसमें 2 ऐड करके 9.5 इंच का लेंगे हम। यहाँ से 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे। यहाँ से नीचे से 1 इंच लेंगे। ये आगे के लिए होगा और ये पीछे के लिए। इसको इस तरह से गोल शेप दे देंगे। यहाँ से हिप तक की लेंथ लेंगे, उसके नीचे कट रहती है कुर्ती की, तो ये हमें 14 इंच लेना है। आप अपनी हाइट के हिसाब से लीजिएगा। इसके सेंटर में मार्क करेंगे और इसमें 1 इंच कम कर देंगे। यहाँ से हिप के लिए मार्क करेंगे। हिप हमारा 34 है, तो उसका 4th पार्ट प्लस 1 इंच लेंगे। 4th पार्ट होता है 34 का 8.5 इंच, तो हम यहाँ पर 9.5 इंच लेंगे। यहाँ पर मार्क करके यहाँ से ऐसी गोलाई बना देंगे। अब नीचे से घेर का मार्क करना है हमें, तो घेर हिप से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हम, तो यहाँ से 11 इंच लेना होगा हमें और इसको इससे मिला देंगे। और यहाँ पर कोने पर 1/2 इंच की गोलाई देते हैं। ये मार्किंग हो गई है कुर्ती की। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। यहाँ से एक छोटी सी कट लगाएंगे, जिससे हमें यहाँ पर हिप का माप पता चलेगा। यहाँ शोल्डर के भी बीचों बीच में एक कट लगाएंगे, जिससे सेंटर मार्किंग पता चलेगी। बचे हुए फैब्रिक को भी 4 फोल्ड में रख लेंगे हम, और इसकी स्लीव्स कट करना है हमें। स्लीव्स की लेंथ 21 इंच है, तो उसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे हम। 22 इंच की लेंगे स्लीव्स की लेंथ। स्लीव्स की जो विड्थ होती है वो चेस्ट का 4th पार्ट होता है, तो चेस्ट हमारी 30 इंच है, तो 7.5 इंच की लेना पड़ेगा हमें। यहाँ से 3 इंच का मार्क करेंगे इस तरफ और ऐसे गोलाई दे देंगे हम। और इस तरफ स्लीव्स के नीचे का भाग लेते हैं, तो ये कम होता है, इसे हम यहाँ से 6 इंच ही लेंगे। अब इसको ऐसे तिरछा मिला लेंगे हम।
ये इस तरह से स्लीव्स की मार्किंग कर ली हमने, अब इसको कट कर लेंगे। अब इसके लिए कॉलर की पट्टी कट करेंगे। इसमें हमें हाफ कॉलर रखना है, तो हाफ कॉलर के लिए हमें 14 इंच की पट्टी लेना होता है और इसकी विड्थ 4 इंच होती है। अब इसको कट कर लेंगे। ये कॉलर की पट्टी कट हो गई है। अब हम इसके लिए नेक के लिए कपड़ा कट करेंगे। नेक के लिए जो फैब्रिक कट कर रहे हैं हम, ये रेक्टेंगल साइज़ का होता है और इसकी लेंथ और विड्थ नेक से थोड़ी थोड़ी ज़्यादा होती है। ये कुर्ती की कटिंग हो गई है हमारी, और इसके लिए जो हमने नेक के लिए कपड़ा काटा था, इस पर हम नेक ड्रॉ करेंगे। इसको इस तरह से हाफ फोल्ड कर लेंगे हम। यहाँ से 2 इंच लेना है हमें। अगर आप बड़े साइज का बना रहे होंगे तो 2.5 इंच का लेना। नेक की जो लेंथ होगी वो 7.5 इंच की होगी। इसमें वी शेप का नेक बनाना है हमें। इसको दूसरी तरफ भी प्रिंट कर देंगे इस तरह से। ये नेक ड्रॉ कर लिया हमने। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। कुर्ती का फ्रंट वाला पैनल ले लिया है मैंने, और इसका जो आर्म होल में हमने ये गहराई दी थी, इसको कट कर लेंगे हम। अब इसको इस तरह से सीधा रख लेंगे हम। फैब्रिक का राइट साइड ऊपर होना चाहिए और इसके सेंटर में ये जो हमने नेक ड्रॉ किया था इसको रखेंगे हम। इसमें यहाँ से सीधा स्टिच करेंगे, यहाँ तक जो नेक लाइन ड्रॉ की है हमने उसके ऊपर से स्टिचिंग करेंगे हम। ये जो नेक लाइन के स्टिचिंग है इसके 1/2 इंच अंदर की तरफ से नेक को कट कर लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। और इसके ऊपर प्रेस स्टिचिंग कर लेंगे हम। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे हम। और फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से सिल देंगे। आप चाहे तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, मैं इस पर डबल स्टिच कर रही हूँ। ये फ्रंट का नेक तैयार हो गया हमारा। अब इसमें हम शोल्डर अटैच करेंगे बैक वाले पोर्शन के।
अब ये जो बैक वाला पोर्शन है हमारा, इसमें हम 1 इंच की गोलाई कट करेंगे। और यहाँ पर सामने से 3 इंच का मार्क करेंगे, इस तरफ भी 3 इंच का मार्क करेंगे। इसमें ये मार्क से लेकर ये वाले मार्क तक कॉलर अटैच करना है हमें। ये कॉलर की पट्टी ले ली है हमने, और इसके लिए ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी बकरम ली है। अब इसको ये पट्टी के साथ रखेंगे हम इस तरह से, और सामने से पट्टी को ऐसे 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे इसके ऊपर। अब इस पे नेक पे जो हमने मार्क किया था 3 इंच का, वहाँ से रखेंगे इसको इस तरह से, और गोलाई से स्टिचिंग करते हुए ये वाले मार्क तक लाना है हमें। इसमें ये जो मार्क है इसके बराबर बकरम कट कर लेंगे हम। फैब्रिक को 1/2 इंच एक्स्ट्रा रहने देंगे बकरम से, और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो हमने स्टिचिंग करी है इसके इधर साइड जो ये फैब्रिक है इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ये जो पट्टी है एक्स्ट्रा इसको ऐसे 1/2 फोल्ड करके ये बकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करना है हमें। ये कॉलर अटैच हो गई है हमारी। अब हम इसमें दोनों साइड स्लीव्स ज्वाइंट करेंगे। तो स्लीव्स का ये जो सामने का साइड होता है इसको हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से स्टिच करेंगे। अब स्लीव्स को इस तरह से यहाँ शोल्डर पर रखेंगे हम सेंटर में, और यहाँ से सेंटर मार्किंग कर लेंगे स्लीव्स की। स्लीव्स का ये जो सामने वाला पार्ट होगा यहाँ पर हम 1/2 इंच की गहराई कट करेंगे कुर्ती के सामने वाले भाग में जैसा किया था। अब इसको यहीं सेंटर से रखते हुए इधर स्टिच करेंगे और फिर उधर। ये इस तरह से एक तरफ की स्लीव्स ज्वाइंट हो गई है, इसी प्रकार से दूसरी तरफ की भी स्लीव्स ज्वाइंट करेंगे हम। दोनों स्लीव्स को ज्वाइंट करने के बाद कुर्ती को मैंने रॉन्ग साइड में टर्न करके इस तरह से बिछा लिया है। अब मैं इसमें फिटिंग का माप करूँगी। यहाँ से हम चेस्ट की विड्थ लेंगे, चेस्ट हमारी 30 इंच है तो उसका 1/2 लेंगे हम 15 इंच, और यहाँ से जितना एक्स्ट्रा होगा उसका 1/2 1/2 दोनों साइड से कम करेंगे 5 इंच एक्स्ट्रा। इसमें तो 2.5 इंच 2.5 इंच दोनों साइड से कम करेंगे हम। यहाँ से वेस्ट की विड्थ लेंगे हम,
वेस्ट हमारी 26 इंच है तो उसका हाफ 13 इंच होगा। इसमें भी 5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है तो 2.5 इंच 2.5 इंच दोनों साइड से कम कर लेंगे हम। और इसमें जो यहाँ पर हमने कट की थी यहाँ से हम हिप का माप करेंगे। हिप हमारा 34 है तो 34 का हाफ होता है 17 इंच और यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा है 17 से तो 1.5 इंच इधर से और 1.5 इंच इधर से माप करेंगे हम। इसको इस तरह से गोलाई से मिला देंगे। स्लीव्स का यहाँ से जो भाग आ रहा था हमारा वो 8 इंच आ रहा था, हम यहाँ पर 4 इंच लेंगे और ये जो चेस्ट का मार्क है इससे इसको मिला देंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। अब इसमें यहाँ से स्टिचिंग करते हुए यहाँ तक लाएंगे, वापस इधर से ही ले जाकर बाहर निकाल देंगे स्टिचिंग। दूसरी तरफ भी यहाँ से स्टिचिंग करते हुए वापस इधर से ही ले जाकर बाहर निकाल देंगे स्टिचिंग। यहाँ पर हमें स्टिचिंग खुला नहीं छोड़ना है बिकॉज़ अगर यहाँ से खुली रहेगी तो जो कट होगी हमारी वहाँ से सिलाई निकलते जाएगी। ये कुर्ते की फिटिंग हो गई है हमारी, अब हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो फैब्रिक को यहाँ से इस तरह से ऐसे दो बार फोल्ड करना है हमें, ऐसा एक जैसा फोल्ड करेंगे हम यहाँ तक। यहाँ से हाफ इंच ऊपर लाना है ये स्टिचिंग के। अब यहाँ से भी ये फैब्रिक को पूरा इधर कर लिया हमने और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, पूरा बराबर फोल्ड करना है हमें। अब यहाँ से ऐसी आड़ी स्टिच करेंगे। अब इसको इस तरह से नीचे से और फोल्ड कर देंगे, ये नीचे वाला पोर्शन है। इसमें ये किनारी वाला भाग है इसलिए मैंने एक ही बार फोल्ड किया है। अगर आपके पास ये किनारी वाला पोर्शन नहीं होगा तो इसको आप दो बार फोल्ड कीजिएगा। अब ये दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से दो बार फोल्ड कर रहे हैं। अब इसके किनारे से भी स्टिचिंग कर देंगे हम।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए।